अब ये पाप जो मेरी कोख में पल रहा है इसका क्या होगा? सीमा, मैं मजबूर हूँ सीमा। मेरे होने वाले पोते की माँ कहाँ है? वो जूते किसके? ये मेरे हैं। सिंगल गवारा है दिल मेरा। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। आज वो दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। जी जिथे दिखोती उथे आन खलोती। ये सब तेरी वजह से हुआ है मीसनी, तू ही इसकी वो है। क्या फसाद की जड़ कहना चाह रही है मेरा ख्याल है माँ जी? हाँ पुत्र देखना, हम लोग फिर से ईद वाले ही दिन निकाले गए हैं, ये इसकी नहुसत है ना सारी। बस कर दें आप, ये सब महमूद साहब और नबील की हरकतों का नतीजा है कि मालिक मकान ने हमें बगैर नोटिस के घर से निकाल दिया। वो तो शुक्र करें कि बच्चे हमारे आने के बजाय अपने नाना के पास चले गए लाहौर, वरना उनकी भी ईद खराब होती। अरे ये सब नबील की वजह से हुआ है, तुम्हें पता है मोहल्ले वाले शिकायत कर रहे थे कि हर आती जाती लड़की को ये मोहब्बत नामे थमा रहा था। जानू क्योंकि मैं एक मोहब्बत पसंद इंसान हूँ, मैं तो मोहब्बत बांट रहा था भाई, मैं तो भला कर रहा था पूरे माशरे का। अच्छा शर आप नबील। ओके जानू भाई, शुक्र है जवेद साहब ने हमें इस घर में वापस आने की इजाजत दे दी। चलो सारे मिलके अंदर चलते हैं, उसके बाद सारे मिलके मल्ले वालों से ईद मिलने जाएंगे। कोई कलेजी कलूजी वहाँ मिल जाएगी। आज वो मैं मुसा आराम से आज वो चलेंगे। हाँ आ गए। अगर कोई अपनी जगह से हिला हाँ जरा अच्छी तरह गोश्त भूनना, कच्चा ना रह जाए, बड़ी ईद का गोश्त कच्चा नहीं रहना चाहिए। हाय हम तुम सबको भूनने का बात करते हैं, और सबसे पहले हम तुम को उड़ाएगा। कौन है तुम? सोगी अस्तासु सोगी। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ मुस्तकीम, इसको बताए ना। तुम मुमताज हो भाई। हाँ मैं मुमताज हूँ, चिड़िया घर वाली, आधी औरत आधी लूमड़ी, ये देखो मेरी दुम। हाय मुस्तकीम मेरी दुम कहाँ है? ओ माँ जी आप तो चुप करें ना यार, मैं बात करता हूँ। ओ भाई तू खाल लेने आया ना, वो भी गन पॉइंट पर। अरे तू महमूद साहब को जानता नहीं है, तुझे साबित निकल जाएंगे। महमूद साहब अपना दिखाएं जरा असल रूप इसको। नबील क्यों मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे हो भाई? अरे महमूद साहब आप कुर्बानी का बकरा नहीं, आप नाग है, नाग नाग देवता। शरत नबील मुझे बात करने दो। देखें भाई साहब हमारे यहाँ इस बार कुर्बानी नहीं हुई, इससे हम आपको खाल नहीं दे सकते। हाँ अगर आप चाहें तो महमूद साहब की खाल उतार के लेके जा सकते हैं। ओ भाई तू है कौन? हम बारूद खाने। वशे वशे तो तू यहाँ धमाका करने आया बारूद भाई? नहीं हम इस घर का चौकीदार हैं, और जावेद साहब ने इस घर का जिम्मेदारी हमको दी है। हमारा होते हुए इधर कोई पर भी नहीं मार सकते। लेकिन हमारे तो पर ही नहीं है बम खान। हम बम खान नहीं है, बारूद खान है, बारूद खान। और तुम लोग तो वैसे ही हमको किसी खतरनाक गैंग का मेंबर लगता है। हम तुम सबको चुन 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 के मारेगा। चुन चुन के? नहीं तुन तुन के। देखो भाई हम इस घर के किराएदार हैं, हम यहीं रहेंगे, तुम चाहो तो जावेद साहब को फोन करके पूछ लो। अच्छा अच्छा तुम लोग वही मुफ्त खोर और डीट किराएदार है जिसको जावेद साहब ने धक्के मार मार के घर से निकाला। भाई लगता है जावेद साहब ने बड़ी तारीफ की हमारी इसके सामने भी और सोशल मीडिया पे भी। हाँ जी देखो तुम इस घर के चौकीदार हो और हम इस घर के मालिक हैं, तुम दरवाजे पे बैठो और चौकीदारी करो। चले सब अंदर चलते हैं। महमूद साहब आप एक काम करें यार, जल्दी से फ्रेश होकर ना हमने जाके पूरे घरों से गोश्त भी मांगना है। वो जो हम घर घर जाके मांगेंगे वो गोश्त होगा। हाँ जी अच्छा जी चले चलो चलो ओके जानू ओके जानू जो हुक्म आपका जानू। माँ जी माँ जी हाय मुझे तो यहाँ आके बड़ी वो महसूस हो रही है। वो क्या? वो जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ना यूनस। खारिश? अरे भाई एलर्जी हो गई होगी। नहीं खारिश नहीं, वो जो मुझे जमीला की मौत पर होगी। तकलीफ? चुप है, मुझे तकलीफ क्यों होगी, मैं तो तेरे मरने पे लुडियां पाऊंगी। आहा खुशी।
हाँ खुशी, इस घर में वापस आके कितनी खुशी हो रही है मुझे। हाँ माँ जी, खुशी तो वाकई बहुत है, और देखें बैठे बिठाए मुफ्त का चौकीदार मिल गया है। हाँ नबील, लेकिन ये चौकीदार कुछ पागल सा लग रहा है मुझे। जावेद साहब से कहो इसको नौकरी से निकलवाओ। ओ यार जानू, कैसी बातें कर रही हो, हम लोग बंगले में रहते हैं, चौकीदार होना चाहिए, मोहल्ले वालों पर रोब पड़ता है। और वैसे भी जद्दी पुश्ती जो लोग होते हैं ना, उनके पास 10-10 चौकीदार होते हैं जानू। अच्छा, और इस चौकीदार की तनख्वाह कौन देगा जानू? मेरे प्यारे पापा जी। शट अप नबील, I love you too, जानू। चल पुत्र, दफा कर इस मीसनी को, जाके आस पड़ोस से ना कलीजी और गोश्त लेकर आए, बड़ी भूख लगी मन से। ओ माँ जी, बारूद खान है ना इन कामों के लिए, मैं तो कह रहा हूँ आज से सारे काम जो है ना वो बारूद खान से करवाते हैं। क्यों महमूद साहब? हाँ भाई, बहुत कर लिया हमने घर के काम, अब नौकर आ गया, अब हम आराम करेंगे। मोमो जाओ उससे जाके कहो कि गोश्त लेकर आए हैं, बल्कि उससे कहो कि हमसायों के घर जाए और उनसे बकरे की चांपे मांग कर लाए। अरे चांपे खाने का बड़ा दिल कर रहा है मोमो। आप फिक्र ना करें, मैं अभी जाके ना उस हवलदार को काम पे लगा के आती हूँ। हाँ, ये चीज मेरे अजीज महमूद साहब, हम एक काम करते हैं, हम रात का मेन्यू डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ये बहुत अच्छी बात। अच्छा यूं करते हैं कि रात को हम हाथी के पाए बैस बनवाते हैं। बात सुन नमरूद खान मेरी। वाए, हम नमरूद खान नहीं है, हम बारूद खान है। बारूद खान तुम हमको जानते नहीं है? आए, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ तबूत खान, तू मेरा वो है। वो क्या? वही जो हर हुक्म पे सर झुकाता है। अच्छा अच्छा, शोहर? मेरा शोहर तो वही मुराद है। तू जा जाके सब्जी लेकर आ। वाए, तुमने हमको अपना नौकर समझा हुआ? हाँ, याद आया, तू तो मेरा नौकर है। जा जाके मल्ले से गोश्त जमा करके ला, वापस में आई ना तो अदरक लहसुन प्याज हरा धनिया हरी मिर्चे वो लेके आनी है तूने। जा शाबाश। वाह, हम तुम लोगों का नौकर नहीं है, हम यस घर का चौकीदार है, और हमको यस घर में जावेद साहब ने रखा हुआ है। चलो निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से। ले, मैं अपनी जवानी में पूरे 4 बार घर से भागी थी, अम्मा ने पकड़ लिया हर बारी। भैया तुम क्या ओल फोल बक रहे आपा? आज दफा होए चमगादड़ के मुंह वाले, तूने मुझे आपा बोला। मेरे जैसी हसीन नाजुक कमसिन कली को आपा बोलते हुए तेरी जुबान में लकवा नहीं होया? वाए, चुप कर जाओ वरना हमको जलाल आ जाएगा। आज जलाल को बुला या बलाल को बुला, मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा तो तुम किसी से नहीं डरती? नबील, ये आवाज कैसी है यार, लगता है बाहर कोई फायरिंग कर रहा है। नबील, हमारे घर के बाहर कहीं डाकू तो नहीं आ गए? नबील कफील, नबील वो जो बाहर जमादार है ना वो फायरिंग कर रहा है। अरे भाई, तो हमारे घर का चौकीदार कहाँ गया? हाँ तो उस पागल चौकीदार ने तो मुझ पे फायरिंग की है बशीर। महमूद? नहीं महमूद पे नहीं, मुझ पे फायरिंग की है उस दुकानदार ने। देखा, मैंने कहा था ना नबील के इस चौकीदार को निकालो, भाई घर वालों पे फायरिंग कर रहे हैं, माँ जी को गोली लग जाती तो? भाई तो मजबूरन मुझे दूसरी शादी करना पड़ जाती। मुस्तकीम, जाओ नबील उस चौकीदार से जाकर कहो कि हम उसे घर में नहीं रखना चाहते, वो चला जाए यहाँ से फौरन। कैसी बातें कर रही हो जानू, तुम उस पागल चौकीदार के पास मुझे भेज रही हो यार, वो फिर से गोली चला सकता है यार। कैसी बात कर रही हो, मैं अपने अमीर सुसर का अकलौता दामाद हूँ यार, उनकी जायदाद का वारिस हूँ मैं। कैसी बात कर रही हो, तुम क्या ईद वाले दिन बेवा होना चाहती हो? मैं तो कह रहा हूँ महमूद साहब, आप जाके भगाए यार चौकीदार को। अरे मैं क्यों जाऊं भाई, मेरी जान क्या इतनी सस्ती है? अरे मैं तो खुद इस घर का वाहिद कफील हूँ। आप कफील नहीं है, कफायत है मेरे मियां। ओ यार महमूद साहब, आप कितने बुजदिल हैं यार, लोग तो अपनी फैमिली के लिए सीने में गोली खा लेते हैं यार। नबील, मैं सुबह गोली खा चुका हूँ ब्लड प्रेशर की। एक बंदूक की गोली भी खा लेना इश्फाक। अरे तुम चुप करो मोमो भाई, तुम सब मिलकर मेरी जान के पीछे पड़ गए हो, मैं अकेला अकेला बाहर कोई नहीं जा रहा भाई। अच्छा भाई चले फिर, हम सब लोग मिलकर चलते। ये देख, ये है नमरूद जिसने मेरे ऊपर गोली चलाई थी ना, ये है वो। वाए, हम नमरूद नहीं है, हम बारूद है, बारूद। आए तू जो भी कुछ हो समझा, अब नहीं बच सकेगा मेरे मुस्तकीम से। छोटे छोटे टोटे करके ना चील कबों को अभी के अभी खिला देंगे। मुस्तकीम दिखाए इसको। अच्छा जी, कौन है मुस्तकीम? जरा सामने आओ, हम उसको 2 गोली डस करेगा। मेरा नाम तो महमूद है। देखो बारूद खान, अब हम इस घर में रहते हैं, हमें किसी चौकीदार की
की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें किसी चौकीदार की जरूरत नहीं है बारूद खान, तुम जाओ निकलो यहाँ से। हम ये घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा, ये नौकरी भी छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, जब सामने हमारा ड्यूटी लगाया हुआ खाना। ओ भाई, हम चौकीदार नहीं रख सकते यार, हम लोग गरीब लोग हैं भाई, हमारे पास तो खाने की चीजें नहीं है यार। जाओ महमूद साहब को देखो, भूखे रह रहा है कि कितना छोटा मुंह हो गया उनका यार। भाई हम इधर से किधर मिल जाएगा, हमने जवेद साहब का नमक खाया, हम पूरा महीना नौकरी करेगा फिर सोचेगा। चल वे दिल पुत्र, इस निमरूद की ऐसी कुट लगा के इसको नानी याद आ जाए। वो कौन हमको नानी याद दिलाएगा, जरा सामने आओ। महमूद साहब आप पढ़े हैं, आप पहले करें बिस्मिल्लाह। नबील, मैंने बहुत वजनी बैग उठाया था, मेरे हाथ में तो मोच आई हुई है। हमारा हाथ भी सही है और हमारा बंदूक भी सही है। इस घर में पहले ही नमूने कम थे जो एक और को बर्दाश्त करना पड़ेगा। नबील जानू, मैं तो कहता हूँ तुम एक काम करो, तुम ना जावेद साहब को फोन करो और इस चौकीदार को हटवाओ यार। नहीं भाई, पहले ही जावेद साहब ने हमें बड़ी मुश्किल से वापस किराए पे रखा है। नबील, इस चौकीदार को बर्दाश्त करना होगा, बस 10-15 दिन की तो बात है। ओके जानू, जानू मैं ये सोच रहा था कि पापा जी को यहाँ बुला लेते हैं, इस बार मैं ना उन्हें ऊँट के कबाब खिलाऊंगा। ऊँट के कबाब? ऊँट के कबाब कहाँ से आए नबील? कल आएगा ना जानू, मैंने इस बार पक्की नियत की है जानू कि मैं ऊँट की कुर्बानी करूंगा। अच्छा, और ऊँट खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? जानू पापा जी है ना, जल्दी से उन्हें फोन करो और बोलो एक ऊँट के, दो बकरों के और एक गाय के पैसे भिजवाएं रात तक। शट अप नबील, मैं पापा को ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। ओ जानू यार, ये देखो ये है। ओ यार खान साहब, अगर कोई मोहल्ले से गोश्त देने आए तो उसको अंदर लेकर नहीं आना, गोश्त लेकर बाहर से फारिग कर देना यार। भाई ये तुमको गोश्त पोस्ट देने वास्ते नहीं आए है, ये तो खुद मोहल्ले में कुत्ते का गोश्त मांगता फिरते, गोश्त देने का वास्ते नहीं आए। ओ भाई, हमने आज कुर्बानी नहीं की, तुम एक काम करो, तुम कल आना, कल इंशाल्लाह मिल जाएगा, पापा जी आ रहे हैं। ओ बाबा मैं दूध वाला हूँ। ओए तू 2 लीटर दूध देने के लिए कमरे तक आ गया? ओ बाबा मैं दूध देने नहीं आया, मैं पैसे लेने आया हूँ, वो भी 20,000। 20,000 2 लीटर दूध के? कितनी महंगाई हो गई है जानू, चेक करो यार। लेकिन हमने घबराना नहीं। ओ बाबा मैं अपने पैसे लेने आया हूँ जो आपने मेरे से उधार लिए थे, क्या भूल गए क्या सही? क्या वाह, देखो हमारा बात सुनो, यस का पैसा वापस करो, बात में रखो, ये घर जावेद साहब हम पे छोड़ के गया, हम पे जिम्मेदारी है, हम इस घर में कोई भी टोर नंबरी नहीं होने देगा, जल्दी से पैसा वापस करो, जल्दी करो करा, वापस करो। शाबाश जाओ, मैं नाश्ता लेके आती हूँ, चलो शाबाश। खाला मान का नाश्ता मैं बनाती हूँ। देखा सुरैया, कितनी नेक बहू है ये। खूबसूरत माँ जी। नहीं खूबसूरत इतनी नहीं जितनी वो नेक है, और एक तू है, सास का तो जरा ख्याल ही नहीं है तुझे। आप चाहती क्या है माँ जी? मैं चाहती हूँ कि तू ना मेरी वो बन के रहे। बेटी? अरे बेटी नहीं, वो क्या? वही जो बादशाह की होती है। मलका? चुप, इस घर की मलका तो मैं हूँ। ओफो माँ जी, मैं आपकी बहू ही ठीक हूँ, मुझे और कुछ नहीं बनना। हाँ हाँ याद आ गया, मैं चाहती हूँ कि तू मेरी कनीज बन के रहे। आइए हमारे टेबल को क्या हो गया? माँ जी केबल। ओ केबल को हमने काट दिया है। क्यों नमरूद खान, क्यों काटी तूने टेबल की तार हमारी? क्योंकि जावेद साहब ने यस घर का जिम्मेदारी हमको दिए और हम यस घर में गाना बजाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ बाजी, हमारा बात को गौर से सुनो, देखो नमाज का वक्त होता है, उठो मुजू मुजू करो और फिर नमाज पढ़ो, ईद का दिन है, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों का माफी मांगो। और हाँ एक बात गौर से सुनो, तुम दोनों जरा पर्दा मर्दा भी किया करो। अल्लाह, चल भाई सूरज सारी खिड़कियों में ना पर्दे डाल दे। माँ जी खिड़की पे डालने को नहीं कह के गया, हम दोनों को कह के गया है। मैं भी जावेद शेख को बताती हूँ जाके। आप जावेद शेख को क्यों ये बताएंगी? भाई क्योंकि वो मेरे मियाँ हैं, इसलिए। मैंने मुस्तकीन ये अमरूद खान की ना चटनी बना देनी है। ओए मोमो, इस वक्त जो मर्जी बनाओ लेकिन मैं खाने की पोजीशन में नहीं हूँ।
लेकिन आप यू गोल गोल क्यों चक्कर काट रहे हैं मजर मुइन? ओए मोमो कुछ ना पूछो, अरे ईद मिल ले गया था हमसायों में, अरे वाह गरम गरम कलेजी दे के मुंह में पानी भर आया, चार तंदूरी नानों के साथ कलेजी और भेजा फ्राई खाया है, तब से शदीद दर्द हो रहा है मोमो मेरे पेट में, ऊपर से बाथरूम में पानी भी नहीं आ रहा। आपने जो मेरे बगैर कलेजी खाई है ना मसूद, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मोमो फिक्र क्यों करती हो, अभी तीन चार घर और बाकी हैं, अरे कहीं भी जाके दावत उड़ा लेंगे, अभी तो खुदा के लिए जाके मोटर चला दो। आई एम पेरा गया पति, आई एम अमरूद, कीड़े पड़े तुझमें। आई एम अमरूद नहीं है, बारूद है कना बारूद। अरे भाई तू जो भी है जाके खुदा के लिए मोटर खोल दे, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जाना। ओए अमरूद जा जाके पानी की मोटर चला, मेरे मियाँ को हार्ट अटैक हो रहा है। वाए पानी हमने बंद किए। पर क्यों भाई? क्योंकि जावेद साहब जो है ना वो उसने यस घर का जिम्मेदारी हमको दी है, इसलिए हम इस घर में पानी जाया नहीं होने देगा। और एक बात और सुन लो कि मोटर दिन में सिर्फ एक बार चलेगा पानी का। अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे पानी बचाने के चक्कर में अब हम नहाए धोए भी नहीं। भाई देखो महीने में एक दिन सब नहा लो काफी है, अब हमको देखो हम छह महीने बनाते, ठीक है अभी हम जाते। मोमो खुदा के लिए जाके फ्रिज से मुझे ठंडा पानी हिला दो, मैं वही इस्तेमाल कर लूंगा। अच्छा मैं ठंडे पानी में बर्फ डाल के लेकर आती हूँ। जो अपनी जगह से है तुम तो। हाय नमरूद मैंने कुछ नहीं किया कसम से। वाए सच सच हमको बताओ तुमने ये धर्म क्या दफनाया? ओइशा वशे मैंने यहाँ कुछ दफन नहीं किया तेरे सर की कसम, मैं तो यहाँ कुछ ढूंढ रही हूँ। क्या लाश? हाँ तुमने सचमुच किसी का खून करके वो उसका लाश इधर दफनाया, जल्दी बताओ किसका खून किया तुमने? नहीं नहीं लाश नहीं, वो जो पीला पीला होता है ना। हाँ सोना हमको पता चल गया, जल्दी बताओ किसका चुराया और किधर दफनाया? और नहीं नहीं वो जो गोल गोल होती है आंखें? नहीं नहीं वो जो उंगली में पहनते हैं गोल गोल। अंगूठा? अंगूठी? हाँ हाँ मेरी अंगूठी यहाँ गिर गई थी, चल ढूंढ मेरी अंगूठी मेरे साथ आ जा शाबाश। चलो ठीक है ढूंढते। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल, चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। अरे नबील नहीं करो यार, गुदगुदी हो रही है क्या कर? हम बारूद खाने आज तुम पकड़ी गई है, अब हम तुमको नहीं छोड़ेगी कना। ला हौला वाला कुवता, ये क्या बदतमीजी है भाई? वाय हमने तुमको रंगे हाथों पकड़ा है, हालांकि इससे पहले तुम रंगे बालों पकड़ा गया है, अब हम तुम्हारा राज पास करेगा गना। अरे कौन सा राज भाई, तुम क्यों मेरे गले पड़ रहे हो? वाय हमको सच सच बताओ कि क्या चुराया तुमने हमारा इस अलमारी से? अरे भाई मैं अपनी अलमारी में से चोरी क्यों करूंगा भाई? हमको पते कना ये जावेद साहब का अलमारी है, इसमें वॉच का सामान है। वाय दो गोली तुम्हारा मगज में मारेगा ना तो सच सच बोलेगा तुम कि तुमने कौन सा सामान चुरा के किधर छुपाया है। अजीब आदमी हो भाई तुम, खामखा का इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। चौकीदार हो चौकीदार, जाओ जाकर वहां ड्यूटी करो। वाय बस सुनो हम तीन तक गिनेगी, तीन तो एक और दो कहां गए भाई? वाय तुम गोली काने का वास्ते तैयार हो जाओ। देखिए मैं तैयारी में बहुत टाइम लेता हूँ, नबील मेरी सादत से बहुत ज्यादा तंग है। तो ठीक है इस बार बगैर तैयारी के गोली खाओ। अब ये निस्वार किसकी गिरी हुई है? हमारा हमारा वाय वाय। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल, ओ चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी भले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा कोई गाए जाए जलता जा। हाय इश्फाक आपकी
आदत किसने बना दी? आप बोल क्यों नहीं रहे? आप खामोश क्यों हैं? पुत्र कलीम ये कलाम क्यों नहीं करते? ओ माँ जी, क्योंकि इनके मुंह पे टेप लगी हुई है। चुप है, मैं अंधी नहीं हूँ, टेप तो उनके कान पे लगी हुई है। यार ये महमूद साहब की हालत पर की किसने है? वाए कन्यार, ये इसको हमने बांधे, तुमको पता नहीं है दासले को डेर घट बदमाश दे शातिर देखा ना। मुझे तो पहले शक था कि ये आदमी जो है ना किसी बड़े गैंग का मेंबर है। यार कौन सा बैंक लूटे और कितने पैसे लूटे हैं? मैं एक बात बता दूं आपको, माल आधा आधा होगा महमूद साहब। हाय शफीक, बैंक लूटा है ना आपने, तो अब हम कुर्बानी के लिए दो दो गाय लेंगे। हद करते हैं आप लोग यार, कम से कम इनको कुछ बोलने का मौका तो दें। अरे मैंने कोई बैंक वैंक नहीं लूटा, अरे मुझे इस घड़बैन से बचाओ यार। वाह हमने यस चोर को रंगे हाथों पकड़े, ये मकारी करती है, झूठ बोलती है खाना। अरे भाई मैं कसम खा रहा हूँ मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। अच्छा भला बताओ अपने घर में कौन चोरी करेगा भाई? वाह जब हम तुमको थर्ड डिग्री टॉर्चर देगा ना तब तुमको पता चलेगा बच्चू, तब तुम सब कुछ सच सच खुद बोलेगा। नबील अरे मुझे खोलो यार, इस पागल चौकीदार से बचाओ मुझे। ओके महमूद साहब अभी खोल देता हूँ आपको, टेंशन की क्या जरूरत है। वाह अगर किसी ने भी ये मुजरिम का साथ देने का कोशिश किया ना हम मॉस्को भी गोली से डस करेगा, भाग जाओ तुम लोग इधर से कना। हाँ ये बड़ा जालिम आदमी है, मेरे शकूर को कहीं मार ही ना दे कफील। नबील माँ जी, नबील को नहीं जलील को गोली मार देगा ये। ओ माँ जी आप चले हमारे साथ बाहर, चले। चले माँ जी, देखिए मेरी बात सुने, इस शख्स की खातिर कौन अपने सीने पे गोली खाएगा यार। पुत्र तू सीने पे ना खा गोली, तू पेट पे गोली खा। ओ महमूद साहब हम तीनों की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अरे मुझे सांड के पास अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? हाय पुत्र जमील कुछ कर नहीं तो तेरे सर से बाप का साया उठ जाना है। ओ माँ जी क्या फायदा यार महमूद साहब का जिंदा रहने का यार, चंद हजार तो पेंशन है उनकी, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है यार। महमूद साहब के मरने के बाद हम उनकी आंखें दिल गुर्दे सब कुछ बेच देंगे, बड़ी कीमती लाश बिकेगी उनकी। ये क्या कह रहे हैं जलील? नबील माँ जी नबील, मैं तुझे जलील ही कह रही हूँ, वो सतेले ही सही मगर है तो तेरे बाप, तू कर क्या रहा है? ठीक कह रही है माँ जी यार, हमें महमूद साहब को बचाना चाहिए। हाँ सुल्ताना ना सारा अल्जाम अपने सर ले लेगी, क्यों सुल्ताना? जी नहीं, हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाय सांप, किधर है सांप? ओफो माँ जी कोई सांप नहीं है यार, नबील कुछ ऐसा सोचो कि हम इस पागल चौकीदार से महमूद साहब को किसी तरह बचा लें। सोच लिया जानू मैंने सोच लिया, अभी हम बट साहब को बुलाएंगे फोन करके और इसको बारूद खान के बच्चे को अंदर कराएंगे। बट साहब ईद वाले दिन आ जाएंगे? जानू बड़ा लालची आदमी है, गोश्त का सुन के भागा आएगा, बट है बट, और ये जो बट है ना ये दस्तरखान से रज के नहीं उठता, थकता है तो उठता है दस्तरखान से। पर बट उसे अंदर क्यों करेगा पुत्र, उसने क्या चुराया? आपकी अंगूठी माँ जी। हाय हाय मेरी अंगूठी, ये तो मेरे हाथ में। आप गौर से दोनों सुने मेरा प्लान, कैसा? ठीक है माँ जी, बहुत ही प्यारा प्लान बनाया है। अच्छा सुने, हाँ। जब तक बट साहब नहीं आते, हाँ। हैं? हाँ। हमने उसके साथ टाइम पास करना है। आज वो, आज आओ, आओ बट साहब को कॉल भी कर देता हूँ मैं। आज वो, आज वो, आज वो, आज वो, चलो पुत्र, आज वो, आज वो। तुम हमको सिर्फ ये बताओ कि हम पहले तुम्हारा ये वाला हाथ निकाले या ये वाला, जल्दी बोलो खाना। बारूद कसम ले लो मैंने चोरी नहीं की है। हाँ चोर यही बोलते कि मैंने चोरी नहीं की है, चोरी नहीं की है, जल्दी सच बोलो वरना जबान काट देगा। अरे वाह 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 खान साहब, जबरदस्त चोर पकड़ा है आपने, जबरदस्त चोर पकड़ा है, लेकिन टॉर्चर का कोई निशान इनके मुंह पर तो नजर नहीं आ रहा मुझे। भाई यार ये अपना गुनाह कबूल नहीं करते, इसको गोलियां मारेगा कना। ओ खान साहब ये हैवान नमा इंसान है, गोलियां आपकी इसको कुछ नहीं करेंगी, ये मुंह से पकड़ के चबाएगा और फेंक देगा। नबील ये कैसी बातें कर रहे हो भाई, मोमो तुम ही कुछ करो ना। हाँ जी हाँ जी, पुत्र उसके हाथ में बंदूक है, मैं यही कर सकती हूँ। अरे तुम सारे मेरी जान के दुश्मन क्यों हो गए हो? खूबसूरत तुम ही मेरी कोई मदद कर दो प्लीज। हाँ जी निकालो मेरे हिस्से का गोश्त भाई। ओ पर साहब गोश्त को छोड़े, आप इसको पकड़े यार, सारी ईद बर्बाद कर दी इसने हमारी यार।
और ये कौन है और ये हो क्या रहा है? ओ भट साहब, ये चोर है, इसने मेरी माँ की अंगूठी चुराई है यार। वो बच्चे भी झूठ बोलते हैं, हम चोर नहीं, हम चौकीदार है, हम इस घर का चौकीदार है और जावेद साहब ने हमारा इस घर में ड्यूटी लगा रखा है। चुप मकार, लट साहब आप इसकी तलाशी लें, इसने मेरी बहुत चुराई है। अभी पता लग जाएगा, सीधा खड़ा है, तलाशी ले भट साहब, इसकी तलाशी ले, जरा तलाशी ले। ये क्या? ये कसम बखुदा, हमको पता नहीं हमारा जिम्मे कैसे है, ये हमारे ऊपर इल्जाम है कलाम बैठे, आपको लगा वास्ते हमको चोर तो कले यार। फिकर ना कर, चल थोड़े सब पता चल जाएगा। चल चल इधर, वो नबील वाला कोई देख ले ना, आपका हिस्सा रख लेंगे, एक वर्ष का बस, टेंशन ना ले। चलो यार नबील, चलो जानू आओ यार, चलो हमारी आप भी रश करें यार। अरे नबील मोमो, अरे मुझे भी तो कोई खोले। अब ये पाप जो मेरी कोख में पल रहा है, इसका क्या होगा? सीमा, मैं मजबूर हूँ सीमा। मेरे होने वाले पोते की मौत कहाँ है? वो जूते किसके हैं? ये मेरे हैं। सिंगल गवारा है दिल मेरा। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। क्यों उड़ा के आशिक आवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के।